अर्चना जी, म्यूजिक की आप भी बड़ी शौकीन है. म्यूजिक के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है, मतलब कोई आदमी कैसा म्यूजिक सुन रहा है उससे उसके हालात पता चलते हैं. अगर कोई आदमी रोमांटिक गाने सुन रहा है तो समझो इसका नया नया फेयर शुरू है. और अगर कोई गजल सुन रहा है तो समझो उसकी बीवी भी है, गर्लफ्रेंड भी है, दोनों से नहीं बनती है, अपनी गजल सुनना आराम से. और अगर कोई 40-45 की उम्र में भजन सुनना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि उसने ये मान लिया है कि जितनी कटनी थी कट गई, आगे वाली सुधार लो. अच्छा आप देखना, जो जिस तरह की गायकी करता है, जिस तरीके का उसका स्टाइल होता है, लोग उसको गिफ्ट भी वैसे ही देते हैं. उसके घर में वैसी चीजें होती हैं. अच्छा. जैसे आप रैपर के घर चले जाओ, आपको कैप, हैट, जैकेट्स, ग्लासेस, ये वो अंगूठियां वंगूठियां, बड़े बड़े शूज मिलेंगे. वही आप किसी गजल गायक के घर चले जाओ, आपको एक से बढ़ के एक शीशे के गिलास मिलेंगे. शीशे के? हाँ, क्योंकि गजल वाले क्या करते हैं, अपने मेहमानों को थोड़ी थोड़ी पिला के फिर गजल सुनाते हैं. और वही अगर कोई भजन सिंगर हो तो उनके घर में आपको नारियल और शॉल ऐसी चीजें बड़ी मिलेंगी. उस आदमी को गुस्सा बड़ा आता है कि मुझे, मैं क्या शॉल लेके नारियल छीलता रहूं, इतने शॉल दिए, मैं क्या फ्रिज में रहता हूं, हमें भी कोई ऐसी चीज दो कि हम भी उसमें बर्फ डाल के एंजॉय करें. वैसे परमीत सर को क्लासिकल की बड़ी नॉलेज है मैम. मैं मतलब सीरियसली, मैंने एक दिन उनसे ऐसे ही बातचीत की तो बातों बातों में बता रहे थे, कहते अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग गाना हो तो राग भैरव सुनना चाहिए, अच्छा लगता है सुनने में. सारे दिन में कुछ सुनना हो तो राग भीम प्लासी सुनो आप, शाम को सुनना हो तो राग दरबारी, रात को सुनना हो तो राग बिहाग. तो मैंने कहा ऐसा कोई राग है जो 24 घंटे सुना जा सकता है? कहते अर्धांगनी राग. वही राग होता है जो 24 घंटे सुनना पड़ता है. तो मैंने कहा अगर मन नहीं हो सुनने का, कहते फिर उनको अर्धांगनी को मारपीट राग भी आता है तो वो सुना ही देती है. आप कभी क्लासिकल इवेंट चल रहा हो ना तो आप पीछे देखना, एक पीछे उस्ताद जी बैठे थे ना, है ना, तो वो चलते चलते जो उन्होंने मेहमान बुलाए होते हैं ना उनको बिठाने के जगह भी बता देते हैं, कोई आ रहा है मान लो चलते के, एक जो टिपिकल क्लासिकल गाने वाले होते हैं ना गुरुजी जो बैठ के गाते हैं है ना, तो वो जितना गाना गाते नहीं है उससे ज्यादा अपनी टांगे पीट लेते हैं वो, है ना. अच्छा ऐसे 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 जो गीतकार होते हैं इनका एक फायदा है, क्या? इनकी धोती में कभी चींटी नहीं घुस सकती. और अगर घुस भी जाए ना तो घुटने से ऊपर नहीं जा सकते, उधर निपटा देते. कॉन्सर्ट के बाद झाड़ते फिर कि ऑडियंस तो पता नहीं कितनी आई चींटियां बाहर निकली हैं. अच्छा जो महान सिंगर होते हैं वो गाते तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी कमाल की परफॉर्मेंस से आग लगा देते हैं मंच पे. ऐसे ही कमाल के धुरंधर दिग्गज कलाकार आज हमारे बीच में आ रहे हैं. मैं एक एक करके उनका नाम लूंगा. प्लीज वेलकम लेजेंडरी सिंगर्स. सबसे पहले आ रहे हैं मिस्टर हरी हरन जी. और इससे पहले कि हरी सर से हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं हमारे दूसरे मेहमान उनको इन्वाइट करना चाहूंगा. प्लीज वेलकम मिस्टर अनूप जलोटा जी. वाह वाह क्या बात है, जोरदार तालियां अनूप जी के लिए. आइए सर, आइए प्लीज विराजमान. नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर पंकज उदास जी. बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर, आइए प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए. थैंक यू, थैंक यू. आइए, वेलकम. थैंक यू, थैंक यू. हाय हरी. हाय. क्या बात है सर, आप तीनों ने आते ही माहौल ऐसा बना दिया ना, आप तो कसम से ऐसे लग रहे हैं जैसे अपनी रिसेप्शन से उठ के आ रहे हैं सीधा, है ना. देखो आज पहली बार हमारे स्टूडियो में ऑडियंस आई है सर, बहुत बहुत धन्यवाद. मुबारक शुरू आज से शुरू. मुबारक. अच्छा मैं अपने दर्शकों को ये एक बात बता दूं, सबको वैसे पता ही है कि हमारे तीनों ही जो मेहमान है तीनों ही पद्मश्री से सम्मानित है. तो सर अर्चना जी का एक सवाल था, कहती जैसे आप पद्मश्री हैं तीनों ही, तो आप पद्मश्री को घर की श्रीमती से कुछ रियायतें मिलती, जैसे बीवी का फोन आया तो उसी टाइम उठाना पड़ता है आपको? जब मुझे मिला वो अवार्ड जी, तो मेरी बीवी बेंगलुरु में थी. अच्छा जी. तो मैंने बड़ा एक्साइट होके मैं फोन किया, ललिता अरे यार मुझे पद्मश्री मिला. तो बोली कि तू पद्मारक मुझे श्री दे दे. अभी देखिए आप ये हालत है. वाह. अच्छा एक बात बताऊं, हरी जी के बाद बताऊं,
जी, ये हमेशा नया गाते हैं, इनके गाने में नई बात, नए काम करते हैं। सीता जी का हरण तो सबने सुना, इन्होंने हरी को ही हरण कर लिया। अच्छा, देखो वर्ड प्ले शुरू हो गया सर। हरी हरण, बिल्कुल। नहीं, मुझे याद है, ये मेरा नाम है हरी हरण और रविंदर जैन जी जी मुझे हरा हिरण कहते थे। कमाल है, उनका अंदाज अलग है। पर वैसे हरिहरन सर, हमने सुना है कि हरिहरन आपको लोग प्यार से बुलाते हैं, आपका नाम भी है, पर पूरा नाम ये नहीं है, पूरा और भी शायद है। मैं ये नाम कहने से पहले मैंने एक किस्सा सुनाता हूँ। जी, मैं और लेजली हम गए थे न्यूयॉर्क कुछ एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो जो भी हमने ट्रैवलर्स चेक्स लिए थे, वो उसको दिखाना था कि भाई हम ये काम के लिए आए हैं। तो अमेरिकन था, जेंटलमैन, व्हाट्स योर नेम? तो उन्होंने बोला लेजली लुइस। तो बोला अच्छा, यू कम फ्रॉम इंडिया, आई थॉट यू आर एन अमेरिकन, करके लिख लिया नाम फटाफट। तो मुझसे पूछा, ब्रदर व्हाट्स योर नेम? ए हरी हरन। तो बोले वो, आई नीड योर फुल नेम। तो आई सेड, डोंट ब्लेम मी, यू आस्क माई नेम, यू गॉट टू राइट इट डाउन। Now, please go ahead. अनंत सुब्रमणि हरिहरन। अच्छा, अनंत सुब्रमणि हरिहरन, हरिहरन। अच्छा, ये मेरा नाम है। वाह, अच्छा, मुझे जब फोन आया ना कि आपको इस बार पद्मश्री दे रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया कि आपको बड़ी खुशी होगी कि मुझे पद्मश्री मिल रहा है। तो कहने लगी, हाँ मुझे बड़ी खुशी है, अब आज से जरा ठीक से गाना। आपके साथ भी कोई ऐसा किस्सा हुआ पंकज सर? नहीं, मेरे साथ यही हुआ कि मुझे पता ही नहीं था। अच्छा जी। मुझे रात में मेरे एक दोस्त ने फोन करके बताया। अच्छा, कि भाई कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें पद्मश्री मिला। मैंने कहा क्या पद्मश्री, कौन सा पद्मश्री? हाय हाय, कौन सा पद्मश्री? लगा रहे न्यूज़ ऑन करो और जरा पढ़ो तुम, तो तब जाके पता चला। क्या बात, अच्छा, अवार्ड की बात चल रही है तो मैं एक बात अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अनूप सर के पास सबसे ज्यादा गोल्ड और प्लेटिनम डिस्क का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस बात के लिए ताली होनी चाहिए। अर्चना जी पूछ रही थी, कहती जब अनूप जी आएंगे इनसे पूछना कि कभी तोल के देखा आपने कितने तोला सोना है आपके पास। मेरा मैंने तराजू बना लिया गोल्ड का। पर सर वैसे टोटल कितने डिस्क है आपके पास? About 100 गोल्ड एंड प्लेटिनम मिक्स। गोल्ड, प्लेटिनम, मल्टी प्लेटिनम। कहाँ रखे हैं आप उसको? मैंने सिर्फ चार रखे हैं, बाकी बांट दिए। बांट दिए? मैं अपने घर में कोई ट्रॉफी नहीं लेके आता। अभी तक 8-10 हज़ार ट्रॉफीज मिली होंगी, मोमेंटोज मिले होंगे। मैं वहीं पर किसी फैन को दे देता हूँ, ये तुम ले जाओ, तो वो सही सलामत ज्यादा खुश होता है। मुझसे ज्यादा वो खुश होता है। क्या बात। आपको पता है अर्चना जी, एल्विस प्रेस्ले बहुत बड़े, वो भी कमाल लेजेंड रहे हैं, उनके पास भी इतने डिस्क नहीं है जितने अनूप जी के पास है। I'm sure. वो कहीं ना कहीं सोचते तो होंगे, यार मैं लेदर के कपड़े पहन के नाच नाच के गा के इतने गाने गाता रहा, ये चुपचाप शॉल लेके गा के इतने डिस्क ले गए। अनूप सर एक भजन हो जाए। बिल्कुल सुना। बड़ा कहते हैं ना कि जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई, तब ये सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको एक भजन सुनाता हूँ। जी सर प्लीज। क्या बात है सर, वाह मजा आ गया, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आप तीनों ही कमाल की गायकी के लिए जाने जाते हैं, ऑब्वियसली इसके पीछे सालों की मेहनत है, रियाज है। कभी ऐसा हुआ सर आप रियाज कर रहे हो और पीछे से आपके महागुरु की आवाज आई हो, सुनो चार सीट के बाद गैस बंद कर देना। अभी महामंत्री के आगे तो नहीं चलती ना कि रियाज, मतलब होता है आपके साथ ऐसा? हाँ हाँ, विघन पड़ता है रियाज बिल्कुल बहुत पड़ता है। मैं बोला घबरा जाता हूँ थोड़ी, कि जब आप गाना गाते हैं या रियाज करते हैं तो ध्यान में रहते हैं आप। हाँ। जी, ये क्या हुआ? यू गेट अपसेट विद दैट। आपको भी हुआ होगा ना? सबको हुआ। मगर एक बात है, कमाल है, मेरे घर पे दो कुत्ते हैं बड़े बड़े, और जैसे मैंने शुरू किया तानपुरा, अच्छा, और जब तक मैं गाता हूँ सुनते रहेंगे। शांत, वाह क्या बात। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।